Welcome to Sia International School online classes. Hello, bachcho. How are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 6 math chapter 3 playing with numbers. Beta, humne apni exercise 3B ko start kar rakha tha. Uska question number 5 dekhiye. Kal humne question 4 tak is exercise ko discuss kar liya tha. Aaj question 5 ko dekhiye. Determine whether first part hai iska, is question mein 2 part hai. फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे. फर्स्ट पार्ट में 39 इज फैक्टर ऑफ 13,962. क्या 39 इसका फैक्टर है? तो बेटा फैक्टर को बताने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम इसको 39 से डिवाइड करके देखेंगे. ठीक है, अगर आपको किसी चीज को बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं है तो आप उसको सिंपली उससे डिवाइड करवा दीजिए. जैसे मैं कहूँ 2 फैक्टर है 4 का, 4 का फैक्टर है या नहीं है, इसके लिए आप 4 को 2 से डिवाइड करवा के देख लीजिए. ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, उसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 13,962 को 39 से डिवाइड करवाएंगे. यहां पर मैंने टेबल राइट कर दिया, ठीक है, ताकि हम इजीली डिवाइड करवा सके. अब देखिए 39 कि टेबल में देखिए 139 से स्मॉल क्या होता है, 117. 39 3 = 117. हम माइनस करवा देंगे, 9 में 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर भी 2 बचेगा और 1 में से 1 माइनस के 0. नेक्स्ट डिजिट हमने यहाँ पर ले ली 6. ठीक है, अब 39 के टेबल में देखिए 226 तो आता नहीं है, उससे स्मॉल क्या आ रहा है, 195. कितने पे, 39 5s are 195. अब माइनस कर देंगे इसको, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर 2 में से 9 जाएगा नहीं, आगे से बोरो लेंगे 12, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ 1 में से 1 माइनस किया 0. ठीक है, नेक्स्ट डिजिट हमने यहाँ पर ले ली और वो है 2. अब 39 की टेबल में देखिए 312 आता है, कितने भी आता है, 8 जाते, 39 8s are 312. डिवाइड हमारी कंप्लीट हो गई. हमें बताना है 39 से फैक्टर ऑफ 13,962, क्या ये इसका फैक्टर है? तो हम सॉल्यूशन ही कर रहे थे, पहले डिवाइड करवा के देखेंगे. यस, 39 इज ए फैक्टर ऑफ 13,962 और रीजन पीछे लिखना, बिकॉज, तो आप लिख सकते हो रीजन में, बिकॉज 13,962 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 39. ठीक है बेटा, ये 13,962 39 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना, इट मीन्स ये इसका फैक्टर है. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि फैक्टर ना हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जैसे कि मान लो ये फैक्टर नहीं होता तो हम यहाँ पर सेम, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही करते, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है, हम यहाँ पर लिख देते इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, सो इसका फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो अगर 0 आ जाता है रिमाइंडर तो फैक्टर होता है, अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होता. ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 70 इज अ फैक्टर ऑफ 17,070. बिना डिवाइड करे हमें ये बताना है क्या ये 17 फैक्टर है इसका. अभी बेटा जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें फैक्टर बताने के लिए मैंने आपको कहा था डिवाइड करके बताना होता है. ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए, वो उससे जल्दी फैक्टर पता चल जाता है कि वो फैक्टर है या नहीं है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में पहले लिख दिया कि विदाउट डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड करे बताइए कि यहाँ ये फैक्टर है या नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए सॉल्यूशन, 17,070 हम बेटा इसको ब्रेक करेंगे. ठीक है, हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 17,070 को हम ऐसे लिख देंगे 17,000 + 70. ठीक है, 17,000 + 70 ये हमने कैसे लिखा, क्यों लिखा, मैं बताती हूँ आपको. देखिए स्टार्टिंग में ये 17 लिख दिया हमने, ठीक है, उसके बाद जितने भी डिजिट थी 1 2 3
वो मैंने 0 0 0 3 0 लगा दी, ठीक है, प्लस लास्ट में जो ये 17 है फिर उसको लिख दिया। अब आप इसको प्लस करके देखते हो तो सेम बिल्कुल यही आता है, आप 17,000 में 17 प्लस करोगे तो यही आएगा आपके पास, ठीक है। मीन्स हमने कोई चेंज नहीं किया है, हमने इस चीज को बस एक्सपेंड किया, ठीक है, हमने कुछ इसमें अलग नहीं किया है, हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा है यहाँ पर। और ऐसा किसके लिए लिखा है कि हम इन दोनों में से 17 ले सकते हैं आपको, हम कैसे लेंगे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 17 × 1000, ये कैसे आया, 17 की बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 17,000। सो 17,000 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 17 × 1000, ठीक है। एक बार अगेन देखिए यहां तक, सबसे पहले हमने 17,017 को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया है, हमने ऐसे लिख दिया 17, आगे को स्टार्टिंग को 17 लिख दिया, 1 2 3 पीछे जितने डिजिट्स थी इसके रिमेनिंग उतनी जीरो लगा दी प्लस, और जो लास्ट को 17 है फिर इसको लिख दिया, हो गया इतना ब्रेक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो ये हमारा है 17,000 इसको लिख दिया 17 × 1000, क्यों लिखा है, 17 × 1 = 17, ठीक है, और 1 2 3 पीछे जीरो, तो इसको हमने बस ऐसे राइट किया जस्ट, ठीक है, और प्लस में 17, क्लियर हो गया यहां तक। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब बेटा इसके पास भी 17 है, इसके पास भी 17 है, दोनों के पास 17 है, ठीक है, 17 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, मतलब बाहर ले लेंगे, ओके, 17 को बाहर निकाल दिया, यहां से 17 अगर बाहर चला गया कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 17 की जगह 1 बच गया, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया ना बाहर, और यहाँ कितना बच गया 1000 प्लस, ये भी 17 चला गया तो यहाँ पर कितना बच गया 1। ऐसा क्यों है, देखिए बेटा 17 बाहर आ गया तो उसके प्लेस में यहाँ तो कुछ बचेगा 1। अब इसको वापिस अगर इसको दोगे तो कितना हो जाएगा वापिस 17 × 1 = 17, ठीक है, कॉमन लेना, देखिए एक बार मैं यहाँ पर सिखा देती हूँ अलग से, देखिए मान लो ये है 17 × 100 और यहाँ पर है ओनली 17, ठीक है, इसके पास भी 17 है, इसके पास भी 17 है, हमने ले लिया 17 कॉमन, अब यहां से 17 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, ठीक है, 1 × 100 प्लस यहां से भी 17 बाहर चला गया तो क्या बच गया इधर 1, ठीक है, जब जिस चीज को हम कॉमन ले रहे हैं तो उस प्लेस पे 1 ही तो बचेगा, हमने 17 ही कॉमन लिया तो उस प्लेस पे 1 आ गया, ओके। नेक्स्ट देखिए इससे अगला स्टेप क्या होगा, अब आप इसको प्लस कर दीजिए 1001 हो जाएगा। अब देखिए ये 17 से डिवाइड होता है या नहीं होता बताइए, अगर मैं इसके नीचे 17 लिखूंगी तो ये तो सीधा डिवाइड हो जाएगा, 17 × 1 = 17 हो गया ना डिवाइड, दिस शोज दैट ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें ये दिखा रहा है 17 इज ए फैक्टर ऑफ 17 × 1001, ये फैक्टर है 17 × 1001, 17 का फैक्टर है क्योंकि हम इसको डिवाइड करते हैं 17 से तो बटा ही हो जाता है, क्यों हो जाता है, यहाँ देखिए इसके पास है ना 17, देखिए जैसे अगर मैं लिखूं 2 × 6 तो ये पूछू आपसे कि 2 से डिवाइड होगा तो ऑफकोर्स होगा, देखिए 2 × 1 = 2, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 9 × 5 और पूछू ये 5 से डिवाइड होगा तो ऑफकोर्स होगा क्योंकि इसके पास 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख रखा है 17 × 1001, क्या ये 17 से डिवाइड होगा, होगा क्यों, इसके पास 17 है, सो दिस शोज ये हमें यहाँ पर ये दिखाता है 17 इज अ फैक्टर ऑफ 17 × 1001, देयरफॉर क्वेश्चन हमारा ये था 17 इज अ फैक्टर ऑफ 17,017, देयरफॉर 17 इज ए फैक्टर ऑफ 17,000, ठीक है, 17 जो है वो इसका भी फैक्टर होगा। हमने क्या किया बेटा एक बार अगेन
देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, एक्सपेंड करना यहाँ तक आपको आ गया। उसके बाद क्या किया है, हमने इस चीज को थोड़ा सा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है। क्या लिख सकते हैं इसको, 70 × 1000, सेम ही तो है। अगर आप इस 70,000 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 70 × 1000, ठीक है। अब इन दोनों में से इसके पास भी 17 है, इसके पास भी 17 है, उस 17 को कॉमन ले लिया, ये 17 जैसे ही कॉमन आया यहाँ पर हमारे पास बचा 1000 और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। मैंने अभी आपको समझा दिया था वहां पर, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उनको हमने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद ये आ गया हमारे पास। ये हमें ये दिखाता है कि 17 जो है वो फैक्टर है 17 × 1000 पर, बट बात किसकी हुई थी क्वेश्चन में, बात तो इसकी चल रही थी 17 × 1000 की, ठीक है। इसको therefore 17 is a factor of 17,017, अगर ये इसका फैक्टर है जैसे इसका भी फैक्टर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ब्रेक करके तो हमने इस फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद ट्राई करना है, ऐसे इसको स्टार्टिंग में एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने का मेथड बिल्कुल सेम है। उसके बाद आप कॉमन लोगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, पहले स्टार्टिंग में एक्सपेंड करना है, फिर कॉमन लेना है, और उसके बाद फिर वो फैक्टर ही बन जाएगा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी फैक्टर होगा, ठीक है। आगे भी हम सब अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपनी न्यू एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।